हैं दोस्तों, मैं मिंटू कुमार, WSC फिजिकल एकेडमी। आज आपसे चर्चा करने वाले हैं बिहार पुलिस SI सार्जेंट जेलर पदों के कट ऑफ के बारे में, जो पदों की संख्या का टोटल 2213 है। चलिए आपका समय ना लेते आगे बात करते हैं इसी के बारे में। देखिए, हमारा जो एग्जाम हुआ था SI का, आप लोगों का, वो पिछले एग्जाम यानी 2019 के एग्जाम से थोड़ा टफ ही था। मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, टफ ही बोलेंगे हम। देखिए, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, हमारे देखने से 7 से 8 क्वेश्चन थे जो कि सिलेबस में था, लेकिन जो NCERT पढ़े हैं, हमें आशा है कि वो जरूर उसका आंसर दे पाए होंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हुए हैं हम लोग के साथ या आप लोग के साथ, जो उसकी सही जानकारी होते हुए भी गलत टिक लगा दिए। उसके बाद यहाँ आने पर, यानी घर आने पर, हमने जब मिलाया क्वेश्चन आंसर, तो हमारे 5 से 7 8 क्वेश्चन तक गलत हो गए। वो देखते हुए हम लोग का एक ग्रुप है, जिससे हम लोगों ने अपना कुछ समय लिया, ग्रुप में अपना देखा कि भाई किसका मार्क्स कितना जा रहा है, उसके अनुसार आज हम आप लोगों से कट ऑफ बात करेंगे। चलिए, समय ना लेते हैं, 2019 का कट ऑफ जानते हैं, फिर आपसे आगे कट ऑफ के बारे में बात करें। चलिए चलते हैं 2019 के कट ऑफ पे। जो रिजल्ट दिया गया था वो कट ऑफ सिर्फ सार्जेंट का दिया गया था, SI का कट ऑफ नहीं दिया गया था। तो पहले सार्जेंट का कट ऑफ देख लेते हैं, फिर अपने कट ऑफ SI के बारे में बात करेंगे 2021 के लिए। देखिए, 2019 में जो कट ऑफ था मेल का जनरल 75.8 था, सिर्फ सार्जेंट का ही कट ऑफ है, और फीमेल का 61.9 था। EWS का देखें, सार्जेंट का ही 71.4 था, वहीं फीमेल का 54.5 था। BC का बात करें तो 72.6 था, वहीं BC फीमेल का 57.5 था। वहीं EBC का 70.7 था और EBC फीमेल का 50.7 था। वहीं SC का बात करें 66.2 था, वहीं फीमेल का 40.7 था। वहीं ST का देखें तो 68.1 था और फीमेल का 53.7 था। BCO में जो महिला, जिनका 3% आरक्षण है, उनका 54.5 था, देख लीजिए EWS के बराबर। वहीं FFW का बात करें, फ्रीडम फाइटर जो है, उनका मेल और फीमेल दोनों का एक ही लेवल का गया था 58 पॉइंट, लेकिन महिला का 58.8 चला गया था, जो आपके सामने है। अब रही बात दोस्तों, इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, बहुत सारे चैनल बता रहे हैं इतना जाएगा इतना जाएगा। जो बता रहे हैं सही है, उतना ही जाएगा, बट आपको दौड़ने के लिए जाएगा, ना ही कि आपका मेरिट बनेगा, आपको फिजिकल में बुला लिया जाएगा। ये आपका 75 है, इसे 3 नंबर नीचे चले जाइए, जनरल में सीधा 72 चले जाइए, आपको PET के लिए बुला लेगा। 71 है, 68 पर चले जाइएगा, EWS PET के लिए बुला लेगा। 72 है ये, 69 पर चले जाइए, आप PET में यानी कि दौड़ने के लिए आ जाइएगा। 70 है ये, 67 पर चले जाइए, दौड़ने के लिए बुला देगा। 66 है, नीचे चले जाइए, 3 नंबर सीधा। 63 है आपका, दौड़ने के लिए आप लोग ये, इसे 3 नंबर नीचे चले जाइए, सार्जेंट से आपको दौड़ने के लिए बुला दिया जाएगा, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा, इसका प्रूफ है हमारे पास, आप कमेंट करिएगा, हम इसका भी वीडियो बना देंगे। हाँ, अगर मेरिट के लिए अगर जॉब लेना है तो या तो 75 पॉइंट के ऊपर जाइए, 76.8 हो जाइए, या 74.8 हो जाइए, तो आपका नौकरी होने का संभावना है। 1 नंबर नीचे जाइएगा तो वहीं पे देखा जाए EWS का, तो कट ऑफ वही जाएगा, या तो 71 है, 1 नंबर बढ़ा के ऊपर जाइए, 72 हो जाइए, और नहीं तो 1 नंबर नीचे जाएगा। ये ही रहेगा जो सार्जेंट का अगले बार कट ऑफ है, ये SI का कट ऑफ रहेगा, और सार्जेंट का कट ऑफ इससे सीधे 5 नंबर नीचे चले जाइए, 4 या 5 नंबर नीचे चले जाइए पुराने सार्जेंट वाले कट ऑफ से। आप जाकर DPSC बोर्ड का जो वेबसाइट है वहां से ये देख लीजिए, इससे 5 नंबर कट ऑफ कम कर दीजिए, आपका हो रहा है, यही आपका जाएगा, एक्यूरेट है। इस बार का कट ऑफ बात करें, चलिए पिछले वाले SI का कट ऑफ, जो हमारे पास प्रूफ है आपको दिखा दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा तो जरूर दिखा दूंगा। पिछले बार का SI का कट ऑफ आपको बता रहा हूं, पिछले बार का SI कट ऑफ देख लीजिए, जनरल ये SI के कट ऑफ है 158.2,
EWS 156 है, BC 156.2, ये सब जॉब कर रहे हैं, EBC 153.8 और SC इनका 133 कितना था, एक मिनट बता रहे हैं आपको, 136.2, ST 137.8 या 9 ऐसे ही था, ये आपका आ रहा है, ये पिछले बार का है, देख लीजिए कितना। अगले बार बोल रहे थे कि थोड़ा इजी क्वेश्चन है 2019 का, लेकिन ये ही कट अप गया आपका, पिछले बार का है। ये आपका जो बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था उसमें सिर्फ सार्जेंट का कट अप दिया गया था, एसआई का नहीं, लेकिन हम लोग ग्रुप 100 का ऊपर है उसमें जो शेयर किया गया, जिस लड़के का जॉब हुआ उन्होंने भी किया था, जिन्होंने नहीं हुआ ये ही कट अप गया था, जो एवरेज निकाल गया है। इससे आप कहीं भी जाइएगा, अगर प्रूफ भी चाहिए तो हम प्रूफ भी आपको दे देंगे, कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपके रिजल्ट के बारे में, आपका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट सिटिंग जो हम लोग पीटी का, उसमें 47,900 लड़के पास हुए थे जो कि एग्जाम में बैठे थे, लेकिन एग्जाम में टोटल कितने लड़के बैठे हैं, चाहे बैठने के बाद छोड़िए उनमें, ये तो आपका 92% लड़का बैठा है, हम लोग हाईएस्ट जोड़ रहे हैं लेकिन 92% लड़का नहीं बैठा है, टोटल पास कितने होंगे, 40,719, ये पहले से दूसरे सीटिंग के हैं। वही बात करें आपका रिजल्ट का, रिजल्ट हम लोगों का देगा 13,278। वही सीट का बात करें हम लोग, सीट हमारा कितना है 2,213। अब रिजल्ट का बात करते हैं कि रिजल्ट हम लोगों का कब आ सकता है, अनुमान है। तो देखिए अगली बार जो हम लोगों का मेंस का एग्जाम हुआ था वो 29/11/2020 को हुआ था, और रिजल्ट उसका कितना दिन में दिया था, 16/1/2021 को, 29 को हम लोग का एग्जाम खत्म हुआ 11 का, और 16/1 को रिजल्ट दे दिया। और पीटी का बात करें तो हमारा 15 मार्च से चालू हो गया था, यही है। तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, जिनका इसे ये पुराने वाले सार्जेंट कटअप के समकक्ष जा रहा है और उसे हाई हो रहा है तो उनका मेरिट बनेगा, वो अभी से लग जाइए, काहे समय नहीं लगे, इसी से देख लीजिए अपना। देखिए 29 को आप लोग का हुआ था मेंस का रिजल्ट, 16/1 को दे दिया था, यानी कि मात्र 1 महीना बाद, और पीटी 15 मार्च से चालू कर दिया था, ये देख लीजिए यहाँ पे भी 1 महीना आपको दिया था, यानी कि हम लोग का एग्जाम खत्म हुआ है उसके 1 महीना जोड़ लीजिए, यानी कि मई मध्य जून, जून में मध्य जून को कभी भी रिजल्ट दे सकता है, कभी भी रिजल्ट दे सकता है 15 जून के बाद हम लोग का, ये फिक्स है। और पीटी का इसमें वो 45 दिन रख लीजिए ज्यादा तो 15 अगस्त बाद, यानी कि सितंबर में फिजिकल लेने का चांस है। जब फिजिकल ले लेगा सितंबर, नवंबर दिसंबर तक आपको रिजल्ट देगा, उसके बाद 28 दिन का आपका होता है, जैसे कि जहां पर आप ज्वाइनिंग करिएगा अनुदान दीजिएगा, वो 28 दिन का ड्यूटी रहता है, वो बढ़ भी जाता है, तो आपका जनवरी फरवरी हेल जाएगा। और फिर जैसे ही पुराने वाले जो दरोगा है 24 सौ लपेट में, उनका वहां से पासिंग आउट होगा तब तक आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, तो कटअप यही जाएगा आपका, पुराने वाला जो सार्जेंट का कटअप है वही एक्यूरेट कटअप आप लेके चलिए, आप भी एग्जाम दिए हैं हम भी एग्जाम दिए हैं, यही टोटल आपका कटअप जाएगा। अगर आप लोग प्रूफ चाहिए पिछला वाला एसआई का, हमारे पास प्रूफ है, आप कमेंट करिए। जय हिंद।